दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवार। पिछले कई दिनों से मैं न्यूज़ चैनल्स और ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया की हालत आपके सामने अलग अलग वीडियोस के जरिए बता रही हूँ। मैंने आपको बताया दोस्तों कि इस बीच कई बड़े चैनल्स की आर्थिक तौर पर न केवल हालत ख़राब हुई है, बल्कि कई बड़े नेटवर्क्स के चैनल्स जो थे, मतलब बड़े समूह के जो चैनल्स थे, वो बंद भी हुए। कई पत्रकार, कई वो लोग जो टीवी में, अखबारों में काम करते हैं, वो बेरोजगार हो गए, क्योंकि टीवी और खास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों ने देखना छोड़ दिया। लेकिन इस बीच सुब्रत रॉय के देहांत की खबर आई, जिसके बाद एक बार फिर खास तौर पर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके बीच एक मायूसी, एक डर पैदा हो गया। दोस्तों, आज सुब्रत रॉय नहीं रहे तो हर कोई उनको लेकर अपनी अपनी याद शेयर कर रहा है। कोई उनके साथ अपनी अच्छी यादें शेयर कर रहा है, कोई उनके साथ अपनी बुरी यादें शेयर कर रहा है, कोई उनके स्कैम्स, उनके भ्रष्टाचार की याद दिला रहा है, तो कोई ये याद दिला रहा है कि उन्होंने कैसे बड़े बड़े लोगों की मुश्किल वक्त में मदद की। लेकिन एक सच ये भी है दोस्तों कि अपने कामयाबी के शिखर पर जब सुब्रत रॉय थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा मीडिया समूह खड़ा किया था, एक ऐसा सहारा मीडिया समूह जिसका हिस्सा होने के लिए उस वक्त बड़े बड़े पत्रकार ललायत रहते थे। इस समूह का न्यूज़ चैनल भी था, कई रीजनल चैनल भी थे और अखबार भी थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है अब, और बहुत बड़ी संख्या में, मतलब एक वक्त में सबसे बड़ी संख्या में जो इम्प्लॉयज थे मीडिया के अंदर, वो सहारा समूह के इम्प्लॉयज थे, उनके चैनल्स के, उनके अखबार के, उनके रीजनल चैनल्स के। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों सुब्रत रॉय के सितारे गर्दिश में पहुंचे, उनका समूह लॉस में जाता गया, वैसे वैसे जो उनका मीडिया संस्थान था उसके भी बुरे दौर शुरू हो गए। हाल के सालों से ही सहारा के जो न्यूज़ चैनल हैं, जो अखबार है, वो कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ जो लोग काम कर रहे थे उनको एक उम्मीद थी कि बड़े साहब तो हैं, बड़े साहब बचा लेंगे। लेकिन अब बड़े साहब भी चले गए हैं तो ऐसे अनगिनत लोग जो आज भी सहारा के न्यूज़ चैनल्स में, उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म में या फिर उनके अखबारों में काम कर रहे हैं ना, वो इस बात को लेकर परेशान है और खुली जुबान बोल रहे हैं कि अब उनकी नौकरी का क्या होगा। एक ऐसा दौर दोस्तों जब वैसे भी न्यूज़ चैनल्स में काम करने वाले लोगों को ये नहीं पता कि उनकी नौकरी कब तक रहेगी, वो चैनल कब तक रहेगा, बड़े बड़े समूह इस वक्त घाटे में चल रहे हैं, उस दौर में सहारा समूह के मुखिया का देहांत हो जाना और इतने बड़ी तादाद में मीडिया कर्मियों का परेशान हो जाना लाजमी होता है। क्योंकि दोस्तों होता ये है ना कि जिस इंडस्ट्री में अगर आप काम कर रहे हैं वो इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, उस इंडस्ट्री में नौकरियां हैं, रोजगार के अवसर हैं, तो अगर आपकी कंपनी से आपके बिगड़ भी जाए, आपकी कंपनी में आपकी स्थितियाँ आपको ठीक नहीं लग रही हैं, तो आप दूसरी जगह स्विच करने की कोशिश करते हैं, दूसरी जगह विकल्प तलाशते हैं। लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री जो वैसे ही अपनी दुर्गति देख रही है, वहाँ अगर आप एक ऐसी कंपनी में है जिसके प्रमुख पर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, जिसकी कंपनी वैसे ही बहुत घाटे में चल रही हो और वो प्रमुख कभी अब देहांत हो गया हो, तो ऐसे में जितने भी सहारा नेटवर्क में काम करने वाले जो पत्रकार होंगे, आप सोचिए उनको कितनी टेंशन हो रही होगी कि वो क्या होगा उनका भविष्य का। दोस्तों, बहुत संभव है कि सहारा नेटवर्क में काम करने वाले पत्रकार बड़े स्तर पर दूसरी जगह नौकरी ज्वाइन करना चाह रहे हों, दूसरी जगह नौकरी पाने की जुगत में लगे हों, लेकिन अब उनके लिए नौकरी पाना और मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, सुब्रत रॉय का देहांत मीडिया में रोजगार का एक भयानक संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि चैनल्स तो बड़े हैं नहीं, चैनल्स तो उतने ही हैं, उसमें रोजगार के अवसर भी उतने ही हैं, लेकिन जो बेरोजगारों की संख्या है, जो जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अच्छा, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।